दोस्तों, कमर में, कंधे में, टांगों में दर्द होना आम बात है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है, ये समस्या भी बढ़ती जाती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों टांगों में दर्द हो, एक पैर में या फिर पैर के किसी एक हिस्से में भी दर्द हो सकता है। वैसे तो इस तरह का दर्द नॉर्मल रहता है, लेकिन कभी कभार इसका दर्द इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि इसे बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कोई भी काम करना भारी पड़ता है। इसके अलावा कई बार पैरों में कमजोरी आ जाती है, पैरों में सुन्नपन हो जाता है। कई बार मांसपेशियों में खिंचाव के चलते एक के ऊपर एक नस चढ़ने की वजह से शरीर में न्यूट्रिशन की कमी के कारण, या फिर एक ही पोजीशन में बैठे रहने या फिर एक ही पोजीशन में खड़े रहने के कारण कमर में, टांगों में या पिंडलियों में दर्द शुरू हो जाता है। दर्द अगर आपको हल्का सा है यानी कम है तो ये कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये दर्द तेज है, आराम करने के बावजूद भी बढ़ता ही जाता है, तो आप इसे इग्नोर ना करें। ये किसी गंभीर बीमारी के संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी कमर में, घुटने में या पिंडलियों में दर्द रहता है और आप बहुत परेशान हैं, या फिर घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसको ये दिक्कत है और वो इस दिक्कत को फेस कर रहा है, तो आप इस रेमेडी को जरूर इस्तेमाल करें। आज मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू तरीके बताने जा रही हूँ जिसके जरिए आप इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दो ऐसी रेमेडी बताऊंगी, एक तो आपने खानी है और दूसरी लगानी है, और ये दोनों ही बहुत इफेक्टिव है, इनकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों, इसमें हम तीन चीजें ले रहे हैं। पहली चीज है दोस्तों आलू बखारा। आलू बखारा खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। इसमें फेलोनिक और फेलविनाइट दो यौगिक होते हैं जिसकी वजह से ये हड्डियों को नुकसान से बचाते हैं। इसमें बोरिन होता है जो हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है। इसके अंदर फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो कब्ज से छुटकारा दिलाता है और हमारे डाइजेशन को बेहतर करता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। दोस्तों, दूसरी चीज है सूखी खरमानी, यानी जिसे ड्राई एप्रिकॉट कहा जाता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, डाइट्री फाइबर काफी अच्छी मात्रा में होता है। खुरबानी में पाया जाने वाला एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है और आंखों की रोशनी को भी तेज करता है। साथ ही साथ ये जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द और हड्डियों के जोड़ों में जो लुब्रिकेंट खत्म हो जाता है उसको भी दोबारा बनाने में मदद करता है। तो यहाँ हमने जो खुरमानी लेनी है वो दो ड्राई खुरमानी लेनी है। दोस्तों, जो तीसरी चीज हम यहाँ ले रहे हैं वो है सूखी हुई अंजीर, जिसे ड्राई फिग्स कहा जाता है। इसमें भी फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है जो हमारे डाइजेशन को मजबूती देता है। फाइबर से कब्ज की समस्या से भी हमें छुटकारा मिलता है। इस फल के अंदर मिनरल्स भी भरपूर होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सारे मिनरल्स हमारी हड्डियों को मजबूती देने का काम करते हैं। साथ ही साथ हमारी इम्यूनिटी और हमारी स्किन के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। जो अंजीर है वो शरीर से हानिकारक एस्ट्रोजन को नेचुरल तरीके से बाहर करने में मदद करती है। तो आपने क्या करना है, इन तीनों चीजों को रात को आपने खाना है, लेकिन खाने से 3 घंटे पहले इसे आप पानी में भिगो दीजिए और रात को चबा चबा कर खा लीजिए। रोज तो जब आप रोजाना इसे चबा चबा कर खाना शुरू कर देंगे तो आपके शरीर का सारा दर्द दूर हो जाएगा। इसका इस्तेमाल आपके शरीर में ताकत ला देगा, स्टेमिना को भर देगा। इसके अलावा इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आप इसका सेवन रोजाना बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसी चीज की जो कि आपने दर्द वाली जगह पर लगानी है। दोस्तों, आपने सरसों का नाम तो सुना होगा, उसका तेल भी आपने खाया होगा। सरसों का तेल निकलने के बाद जो उसकी खल बचती है, जिसको जानवरों को डाला जाता है, उसका इस्तेमाल करना है। इसमें बहुत ताकत होती है। दोस्तों, यहाँ आपने इतना सा टुकड़ा खल का ले लेना है और उसे किसी भी हाथ से या फिर किसी भी चीज से थोड़ा कूट लीजिए और उसे पानी में भिगो कर रख दीजिए। 4 से 5 घंटे के बाद ये बहुत ज्यादा फूल जाएगी, इतना सा टुकड़ा भी बहुत ज्यादा फूल जाएगा। उसके साथ हमने क्या करना है, 100 ग्राम सरसों का तेल लेना है और आपने 1 चम्मच हल्दी लेनी है। दोस्तों, आप एक पतीला ले लीजिए, एक बर्तन ले लीजिए और उसके अंदर जो ये फूली हुई खल है इसको डाल दीजिए। उसके अलावा इसके अंदर जो 100 ग्राम तेल लिया था वो भी डाल दीजिए और इसके साथ हमने दोस्तों डालना है 1 चम्मच हल्दी, वो भी इसके अंदर मिक्स कर लीजिए और एक हलवे की तरह इसे पका लीजिए। दोस्तों, जहाँ भी आपकी दर्द हो रहा है आपने इस मिश्रण को अप्लाई कर लेना है, लगा लेना है। 10 से 15 मिनट के बाद आप इसे हटा दीजिए,
लेकिन इस मिश्रण को फेंकिएगा नहीं, क्योंकि ये दोबारा गर्म होकर यूज़ हो जाता है। इतना ध्यान रखिए कि आप जहाँ भी आपकी दर्द हो रहा है आप लगा रहे हैं, वहाँ गर्म गर्म नहीं लगाइए, बस इतना गर्म हो कि आप उसे सह सकें, मतलब कि सहता सहता सा आपने गुनगुना सा लगा लेना है। और जब आप दोबारा यूज़ करें तो दोबारा इसे हल्का सा गुनगुना कर लीजिए और दोबारा लगा लीजिए। दोस्तों एक मिश्रण का इस्तेमाल आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। दोस्तों ये नुस्खा बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही असरदार है। रोजाना अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका बॉडी पेन जो है, या जोड़ों में दर्द हो रहा है या फिर मसल पेन हो रहा है, वो दूर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है। दोस्तों अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी ज़रूर दिया जाएगा। मिलती है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।